प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला, राष्ट्रवाद के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा भारत की उग्र छवि गढ़ने के लिए हो रहा है राष्ट्रवाद और भारत माता की जय के नारे का इस्तेमाल। मनमोहन सिंह के मुताबिक भारत में पैदा किया जा रहा है उग्र राष्ट्रवाद का विचार, देश के लाखों नागरिक अलग थलग पड़ जाएंगे, नेहरू पर लिखी खिताब की लॉन्चिंग के मौके पर साधा निशाना। पाकिस्तान का दौरा कर विवादों में घिरे शत्रुघ्न सिन्हा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने की शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान की कश्मीर पर चिंता से सहमत। शत्रुघ्न सिन्हा पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ट्वीट, लिखा शत्रुघ्न सिन्हा ने कश्मीर के 200 दिन के हालात पर जताई चिंता, शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके कहा पाक दौरा निजी था, राजनीति से संबंध नहीं। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल और भूमि अधिनियम लागू करेगी मोदी सरकार, जितेंद्र सिंह ने कहा लोगों के डर को देखते हुए डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। जितेंद्र सिंह के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लोगों में दूसरे राज्यों से आकर बसने के डर को निकाला जाएगा, इसलिए पहले डोमिसाइल फिर लाया जाएगा भूमि अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज अरुण मिश्रा ने पीएम मोदी को बताया जीनियस और वैश्विक सोच का नेता, देश में 1500 से ज्यादा पुराने पड़ चुके कानूनों को हटाने के लिए की पीएम मोदी की तारीफ। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा आतंकियों और भ्रष्टाचारियों को प्राइवेसी का अधिकार नहीं। अखंड भारत के मकसद की दिशा में अनुच्छेद 370 को खत्म करना पहला कदम, अगला कदम पीओके को वापस लेना, बीजेपी महासचिव राम माधव का बड़ा बयान। आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सामाजिक जीवन को बदलने वाली सामुदायिक कोशिशों पर पीएम मोदी कर सकते हैं चर्चा। शाहीनबाग में चौथे दिन भी बातचीत रही बेनतीजा, साधना रामचंद्रन ने की कोशिश नहीं बनी बात, आज फिर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार। शाहीनबाग में रास्ता खोलने को लेकर प्रदर्शनकारियों में दो गुट बटे, एक गुट ने कालंदी कुंड से नोएडा जाने के रास्ते से बैरिकेडिंग भी हटाई, थोड़ी देर बाद दूसरे गुट ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता फिर बंद कर दिया। वारिस पठान ने वापस लिया बयान लेकिन माफी मांगने से इनकार, कहा 100 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 100 लोगों का जिक्र किया था। दिल्ली की तिहाड़ जेल ने निर्भया के चारों दोषियों के परिवारों को लिखी चिट्ठी, आखिरी बार मुलाकात करने को कहा, 3 मार्च को दी जानी है फांसी, निर्भया की मां आशा देवी को फांसी नहीं टलने की उम्मीद। निर्भया के दोषी विनय की याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने किया खारिज, कोर्ट ने कहा जेल की रिपोर्ट के मुताबिक विनय शर्मा की दिमागी हालत ठीक है, इलाज की कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम की 30 तैयारी, ने आज गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद जाएंगे, पीएम मोदी भी आज अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में राष्ट्रपति कोविंद ने 25 फरवरी को रखा डिनर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद को भेजा निमंत्रण, सोनिया को न्योता नहीं दिए जाने पर अधीर रंजन ने जताई नाराजगी। प्रियंका वाड्रा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे पर हो रहे खर्च को लेकर उठाए सवाल, पूछा कौन खर्च कर रहा है पैसा, बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस को देश की उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। भारतीय मूल की वैज्ञानिक रीता बरनवाल भी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आ रही है भारत, यूपी में बस्ती की रहने वाली है रीता, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए आधे घंटे का निकाला वक्त। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों पर फिर साधा निशाना, कहा नागरिकता कानून का विरोध करने वाले गांधी नेहरू और सरदार पटेल के विचारों के विरोधी। ओडिशा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन, 159 यूनिवर्सिटीज के 3400 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा आतंकी अभी भी सक्रिय, डीजीपी दिलबाग सिंह ने जताई आशंका, कहा पीओके से जम्मू कश्मीर में आतंकी धकेल रही है पाकिस्तानी सेना, 2 महीने में मारे जा चुके हैं 25 आतंकी। प्रमोशन में आरक्षण और सीएए एनआरसी के मुद्दे पर आज भीम आर्मी का भारत बंद, चंद्रशेखर का दावा, विपक्षी पार्टियों ने भी किया बंद का समर्थन, पिछले कई दिनों से दलित मुस्लिमों के मुद्दे पर मुखर है चंद्रशेखर। आम आदमी पार्टी आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान, 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य, देश भर में पार्टी को बड़ा करने की योजना। बाबरी मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने की शरद पवार की मांग पर वीएचपी का हमला, कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा हर एक भारतीय की न्यायपालिका में पूरी आस्था, कड़वे फैसलों को भी संयम के साथ स्वीकार करते हैं लोग, राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 के फैसलों का किया जिक्र। दिल्ली में चल रहे अर्थ फेस्टिवल के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने आयोजन के लिए जी न्यूज की तारीफ की, अमित शाह ने कहा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का ये कदम सराहनीय है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारतीय संस्कृति
में देती है हर समस्या का समाधान। अमित शाह की युवाओं से भी अपील, अपनी भाषा में करें बात, ये आदत देश को ले जाएगी सांस्कृतिक समृद्धि की ओर। अर्थ कल्चरल फेस्टिवल के आयोजन के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने जी न्यूज की तारीफ की, साथ ही एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी खूब तारीफ की। तीसरे अर्थ कल्चरल फेस्टिवल में पूरा वक्त देने का वादा किया। 12वें ENBA अवार्ड्स में जी न्यूज की धूम रही, जीते 8 अवार्ड्स। DNA को मिला बेस्ट प्राइम टाइम शो का खिताब। बेस्ट न्यूज कवरेज की कैटेगरी में पोल्यूशन 360 ने मारी बाजी। कठुआ रेप केस की बड़ी कवरेज और दुनिया के सामने का सच लाने के लिए जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ को मिला रनर अप अवार्ड। स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड भी जी न्यूज के खाते में। वैष्णो देवी में सांझी छत पर शुरू हुआ दूसरा मुफ्त लंगर। श्रद्धालुओं को 24 घंटे मिलेंगी चाय, चने और शुद्ध देसी घी से बना हलवा। एक समय में 400 लोगों को मिलेगा प्रसाद। जबलपुर के SP अमित सिंह का डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। हाउसफुल 4 के गाने बाला पर अनोखे अंदाज में थिरके रावण की ड्रेस में भी डांस किया। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे करेंगे रामलला के दर्शन। 7 मार्च को पहुंचेंगे अयोध्या, शाम को सरयू की आरती में भी भाग लेंगे। CM बनने के बाद उद्धव ठाकरे का पहला अयोध्या दौरा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का उद्धव सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा उद्धव को CAA, NPR और NRC की कड़ियों को समझने की जरूरत। एक बार NPR लागू हुआ तो NRC को रोका नहीं जा सकेगा। SP नेता अबू आजमी ने उठाई मांग, उद्धव सरकार महाराष्ट्र में भी CAA के खिलाफ प्रस्ताव करे पास। कहा इस कानून के लागू होने से मुसलमानों को होगा नुकसान। महाराष्ट्र में NPR लागू करने के फैसले पर भी जताया विरोध। CAA NRC के खिलाफ दिल्ली में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठा हुई महिलाएं, सड़क पर लगाया जाम। महिलाओं ने की CAA रद्द करने की मांग। इंदौर में हत्या कर आंखें निकाल लिए जाने का मामला आया सामने। मानपुर इलाके में फंदे पर लटका मिला था युवक का शव। पुलिस के मुताबिक चाकू से गोदने के बाद शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस जांच में जुटी। गैंगरेप मामले में भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी को मिली क्लीन चिट। पुलिस के मुताबिक विधायक के खिलाफ नहीं मिले सबूत, भतीजा संदीप त्रिपाठी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बीड जिले में नई रिलीज फिल्म देखने सिनेप्लेक्स पहुंचे मराठी फिल्मकारों पर हमला। अभिनेता सुरेश ठागड़े और फिल्म निर्देशक धनंजय यमपुरे अस्पताल में भर्ती। CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के जौनपुर में सरकारी आवास खाली न करने पर 13 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। ट्रांसफर होने के बाद भी सरकारी आवास खाली न करने का आरोप, SP के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। नवी मुंबई में एक परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, मरने वालों में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ हुए बदमाश, घर के सामने टहल रही महिला की लूट कर ले गए सोने की चेन। बाइक पर बैठकर फरार हुए तीनों बदमाश। B2 सेक्टर में 30 फरवरी को हुई घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट का अपनी ही सरकार पर निशाना, कहा लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं दे रही है सरकार, इसीलिए खुल रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। सोनभद्र में दबा हुआ है केवल 160 किलो सोना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पत्र जारी कर 3,360 टन सोना दबे होने की खबरों को खारिज किया। मिट्टी की जांच के लिए सोनभद्र पहुंची यूपी की टीम।